इब्राहिम देवी इतने हमारे घर में? अरे परमानंद बाबा से मिलने आए हैं, बुलाओ उन्हें। बाबा परमानंद वो यहाँ? ठकुराइन देवी कैसे? क्यों, तुम अपने पति के साथ नहीं रहती क्या? पहचानती हो ना इसे तुम? इसे ही तो लगाकर तुम तुम्हारे पति को परमानंद बाबा बनाया करती थी, और तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। क्यों, हम अभी अभी आश्रम से ही आ रहे हैं, वहां हमें तुम्हारे पति मिले थे परमानंद बाबा। नशे की हालत में वो धुत पड़े हुए थे, हम उन्हें साथ लाए, बाहर बैठने के लिए कहा है उन्हें। अब जब तक तुम्हारे पति को होश आएगा तब तक विक्रम ठाकुर तुम्हारा क्या हाल करेंगे? नहीं नहीं ठाकुरानी देवी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफ तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं करेंगे, तुमने अपनी लालच में ये सब। नहीं नहीं ठाकुरानी देवी, लालच में हमने कछु नहीं किया, हमने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। क्या करें बताइए, जीना सजा हो गया है हम सबके लिए, बच्चों का खुद का पेट नहीं पाल पा रहे, मन करता है जान दे दे अपनी, किसी बाजार में खुद को बेच आए। अगर बेचना ही है तो अपने आप को नहीं अपने पति को बेचो, हम खरीदने को तैयार है तुम्हारे पति को। आप मतलब आपका मतलब ठकुराइन देवी? मतलब ये कि तुमने तो तुम्हारे पति को परमानंद बाबा बना ही दिया है, तो तुम्हारे पति तुम्हारे लिए परमानंद बाबा ही रहेंगे, लेकिन हमारे लिए वो हमारे गैर कानूनी पति, और वो अपना पति धर्म हमारे साथ निभाएंगे, समझी तुम? और एक बात, हमारे इस गैर कानूनी पति की कानूनन पत्नी हो तुम, तो तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का दोनों का पालन पोषण हम करेंगे। जरा सोचो ना गलिया, हम एक बार तुम्हारे पति को खरीदते हैं, लेकिन उसकी भरपाई हम सारी जिंदगी करते रहेंगे। सोच के रही हो ना गलिया, बोलो क्या फैसला किया तुमने? तैयार है इन्हें आपको बेचने के लिए। समझदार हो, खुश रहोगे, चलते हैं हम अभी।
आप इस वक्त इतने क्या कर रही हैं? कहीं गई थी? कहीं नहीं जा रहे थे हम पानी पीने के लिए उठे थे। तुम्हारे ये फालतू के सवालों के लिए नहीं उठे हैं। माफ कीजिए, हमें किसी की आवाज सुनाई दे इसलिए। जान बची तो लाखों पाए। हम चाय लेकर भी आ गए और आप अभी तक नहा रहे। आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। बरसात बंद हो गई हो तो बाहर तो आ जाइए। मैं बाहर नहीं आऊंगा, तुम अंदर आओगी। क्या कर रहे हो आप? हाथ छुड़िए हमारा। तुम शायद भूल गई हो मैं तुम्हारा पति हूँ। जी नहीं, आप बाहर आइए, हम अंदर वंदन। अरे छोड़िए, जाने दीजिए। आओ ना। नहीं, अरे छोड़िए। आओ ना सुगनी। नहीं, अंदर मॉनसून का मौसम है। हम फिर भी नहीं आएंगे। अच्छा कम से कम तौलिया तो दे दो। जी नहीं, ये बहाने हम अच्छे से जानते हैं। अच्छे से पता है कि हमसे तौलिया काय मांग रहे, हम नहीं देंगे। तो ना सकती, नहीं तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। तो आ जाइए और ले लीजिए। ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप बाहर बताइए, हम तौलिया देते हैं। पहले आप दरवाजा बंद कीजिए। आप आई ना लाइन पर, जल्दी दो। सुगनी चाहिए ना, ले लो, हमारा हाथ क्यों पकड़ लिया? तुम जल्दी से तैयार होके भूषण के कमरे में आ जाना। जी रानी जी। यहाँ सुगनी तैयार होगी, सुमन और रीवा तुम्हें तैयार करेंगी। सब तैयारियां चल रही है तुम्हारी सुहागरात की। और सुनो, अभी से लेकर जब तक गौरी पूजन नहीं हो जाती, तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे भी नहीं, समझी? सुना? जी नानी जी। और सुनो, वो खास लेप जो हमने मंगाया था सुगनी के लिए, चंदन वाला, वो लगाना भूलना मत। कोई कसर मत छोड़ना उसे तैयार करने में। जी माँ। जी माँ साहब। कल तक ये हमारे पैरों की जूतियां हुआ करती थी ना, और आज हम उसे गले में टांग कर घूम रहे हैं, और वो भी चंदन की पॉलिश करके, है ना? ये कोई हंसने की बात नहीं है जीजी। हम तो हंसते रहते, पर तुम्हारी शक्ल पे ये 12 के बजे हुए हैं, जबकि तुम्हें तो इस सेवा का मेवा मिलने वाला है। कैसा मेवा? अरे उस मेवा का नाम है विक्रम ठाकुर, जो पहले से तुम्हारी मुट्ठी में तो थे, लेकिन मेवा कोई और ही खाया करता था। आपको बार बार दुखती रख पे हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनो तो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? तुम्हारी ये जो दुखती हुई रग है ना, अब ये दुखना बंद करने वाली है। कैसे? वो ऐसे कि आदित्य और सुगनी दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के होने वाले हैं। तो मुमकिन है कि विक्रम भाई साहब वापस पलट के तुम्हारे पास ही आएंगे। और तुम भी तो यही चाहती थी ना। क्यों? अरे तो तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, इसका हंसकर स्वागत करो। कहीं ऐसा ना हो रीवा कि अच्छा वक्त आए और तुम्हारी शक्ल पे ये जो 12 बजे है ना, इसे देख के वापस लौट जाए, समझी? अपने बारे में तो हम बाद में सोच लेंगे, पर ये बताइए आपको आजकल क्या होता जा रहा है? बड़ी चतुर होती जा रही है दिन ब दिन, बात क्या है? उस बारे में हम बाद में बात करेंगे।
फिलहाल तो तुम अंदर जाओ और मेवा पाने के लिए सेवा करो, और हम जाते हैं चंदन लाने। उस बुढ़िया की लाडली बहू का श्रृंगार जो करना है हमें। जाओ तुम अंदर। चालाक तो हम शुरू से ही थे, बस बुद्धू बनकर इस घर में होने वाले खेल को हम देख रहे थे, और अब हम ये सारे खेल को जान चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी हवेली अब हमारी चालाकी के चमत्कार देखेगी। प्रणाम मालक। अब सो क्या? जी मालक। जिस काम को तुम पहले अंजाम नहीं दे पाए थे वो काम दोबारा करने का मौका है तुम्हारे पास। अरे रे मालक, हम तो जे काम को कभी का अंजाम दे देते, पर आप ही ने हमें रोका हुआ था ना। मानते हो गई गलती हमसे, अब सो क्या, लेकिन इस बार गलती ना तुम कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, समझ लो इस बात को। अब आप बमसुखिया को केवल आदेश दीजिए, बस आप ये बता दीजिए कि काम को अंजाम हवेली में देना है कि कहीं और देना है। तुम अपनी तैयारी पूरी रखना बोल सके, बगैर वक्त हम दोनों बताएंगे। सबहर उस शोक को भी राह पिलाना जरूर था। तुम्हारी नफरत में हम जितना करते हैं ना उतना कम लगता है हमें सुनी। ठाकुर आदित्य सिंह, तुम अपनी सीट से जाने की तैयारी कर रहे हो और हम तुम्हारी चिता से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे नाना बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखा करते थे। है ना माँ? वो हुबहू बिल्कुल वही शक्ल। ये अचानक तुम्हें उनकी याद कहाँ से आ गई? हमने याद नहीं किया माँ। इस बक्से पर से धूल उड़ाई आज, और पुरानी सारी यादों ने हम पर हमला कर दिया पूरी तरह से। हमारे पूरे वजूद को तहस नहस कर दिया आप इन यादों ने। कि देखिए ना, ये खत किसके हैं? नानी जी, ये खत मैंने इन्हें लिखे थे जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था। इनको पढ़कर देखिए माँ,
ये खत एक भांजे ने मामा को नहीं लिखे हैं, अपने एक बेटे ने अपने बाप को लिखे हैं ये सारे खत। अरे कभी भी बच्चे की कमी नहीं खली जिंदगी भर, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कमबख्त ने हमें वो दर्जा बहुत पहले दे दिया था। हमारी उम्र भी नहीं थी बाप बनने के लिए, कि नाम बाप थे। हमने सालों साल जिस तरीके से एक बाप होने का फर्ज निभाया, ये खत का वहां है उस रिश्ते के। जब ये भी यहाँ है तुम भी यहाँ हो, फिर इतिहास कैसे हो गया? हमने अपनी लापरवाही में उस रिश्ते को खो दिया। मैं आपने अपनी जिद में आकर उस रिश्ते का गला घोटा, वो खोया नहीं है, मर चुका है। इसीलिए कह रहे आदित्य, मरने मत दो उस रिश्ते को, जिंदा रखो किसी तरह से। हम यही एक रिश्ता ही कमा पाए अपनी जिंदगी में, बस अब ये रिश्ता भी नहीं है तो हम खुद अपने आप के सिर्फ परछाई बन के रह गए, जो अपनी जिद में यहां दीवारों पे सर पीटती फिर रही और कुछ नहीं। हम जानते हैं हमारी जिद सुगनी को पाने की वो गलत है, जाकर भी वो हमारी नहीं हो सकती, भगवान ने उसको तुम्हारे लिए बनाया। और जब से हमने सच्चाई को स्वीकार किया है, पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी जगी है कि शायद हमें हमारा बेटा वापस मिल जाए। सके तो हमारे जाने के बाद इन हाथों को पढ़ना एक बार आदित्य, बहुत सारे जख्म भर जाएंगे। और अगर तुम हमें माफ कर सको तो एक बाप जो अपने बेटे को सुहागरात का तोहफा देना चाहता है, शायद वो तुम कबूल कर लो। हमने सारा इंतजाम करके रखा है अपने फार्म हाउस में। जाना चाहिए तुम्हें, हमें इतना सुकून हुआ कि देर से ही सही विक्रम को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जाओगे ना? मैं उनके सामने कह नहीं पाया नानी जी, पर मैं जाऊंगा। पड़ा कबाड़ कभी कभी कितना काम आता है।